ଟିଚେ ଗଡିଏ ଚେ ହେଲୋ 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 ସୁପର ଟଟି ସୁପର ଟଟି ସୁପର ଟଟି ସୁପର ଟଟି Bong voice of videos. क्या चल रहा है भाई? Welcome back. I know. Normally I am not that much punctual. मेरा normally 2-3 हफ्ता हो जाता है एक-एक वीडियो आने में. But this time I am just on time. And reason? My brother is here. Hi. So he is the first guest in Bong Voyager. And we couldn't hold our excitement because something is big is coming. Okay. So we'll talk about that, but उसके पहले थोड़ा सा एक intro देते थे ना. So India में या फिर in Hindi भारत में 33 करोड़ भगवान हैं और उनमें से दो भगवान के साथ तो हम लोग जिंदगी जी भी रहे हैं. One is from the cricketing world and Sachin Tendulkar. Okay, and there is one more god जिसको हम लोग जानते हैं god of good looks, a Greek god. One sec, don't get confused with the this guy, huh? Not Thor. I'm talking about the one and only Hrithik Roshan, the god for his looks. Who is also known for his acting. For acting also. Huh? Okay. So, now I guess you guys know why we are here to react, and it is just because Super 30 trailer is out. It's just been around 10 hours. This movie is going to be great because we're going to see Hrithik Roshan in a completely different view. He has never done a movie like this. मैंने अभी तक देखा नहीं है. Honestly बोल रहा हूँ, I have not seen the trailer yet and जानबूझ के. So शुरू करते हैं. Let's do it. Let's go for the reaction and like our style goes, we normally say 1, 2, 3. So let's say it together. Okay. So let's start the reaction right now. 1, 2, 3. Go. Start. Reliance Entertainment. जी हाँ, इंडिया से, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, चीप लेबर का देश. फिर हम सोचते हैं कि पेप्सिको का वर्ल्ड वाइड हेड कौन है, यूनिलीवर कौन चला रहा है, कौन चला रहा है मास्टर कार्ड, वोडाफोन, डॉश बैंक. अगर किसी को नहीं पता तो गूगल कर लीजिए, और लगे यार ये भी गूगल कर लीजिए कि गूगल का हेड कौन है, वो भी एक इंडियन ही है. क्या बनना चाहते हो? हमारे तो ऐसे सबसे ज्यादा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है तो डिफरेंट यार. कॉमन गाइड. ये आनंद कुमार जी ब्रिलियंट टीचर है, ये पढ़ाएंगे आज से आप लोग. इन्होंने पढ़ा दिया तो आप वीआईपी लोगों की वीआईपी एंट्री हो गई आईटी में. इतना गलत कैसे हो सकता है? ऐसा स्टार बनाएंगे अनंत को कि दुनिया देखेगा, करोड़ों कमाएंगे. आनंद जी अपना सेंटर शुरू किए हैं. फ्री कोचिंग. आनंद जी ये चीटिंग है, चीटिंग है ये. किस्मत इन मंत्र के साथ जो किया हो क्या प्रतिवाद, ये साधन नहीं दिए. चीटिंग नहीं तो और क्या आशीर्वाद है. पिताजी क्या करते हैं? ड्राइवरी करते हैं. कचरे का ट्रक चलाते हैं. नमक के फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं. पिताजी नहीं है. ये अमीर लोग अपने लिए खूब चिकना सड़क बनाए. हमारी राम है सा बड़ा बड़ा गड्ढा खोद दिए, लेकिन यही वो सबसे बड़ी गलती करती है. हमको सलाम छलांग लगाना सिखा दिए. जब समय आएगा सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारे. बायोटेक इंजीनियर, मरीन आर्किटेक्ट, नासा. अरे आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा. हेल ऑफ अ ट्रेलर. राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा बनेगा तो जो हकदार. अमेजिंग लाइन, अमेजिंग एक्टिंग, अमेजिंग डिलीवरी, और कुछ शब्द नहीं है बोलने का. तो दिस इज माई फर्स्ट
कैचिंग फ्रेज फ्रॉम द फिल्म एंड ऑल्सो जब ये ट्रेलर देख रहा था ऋतिक रोशन को आई मीन ही वॉज नॉट अ कैरेक्टर टू स्टैंड आउट फ्रॉम द मूवी बिकॉज ही वॉज जस्ट लाइक अ कॉमन मैन एंड दैट्स अ स्पेशलिटी ऑफ हिज कैरेक्टर इन दिस मूवी बिकॉज दैट्स व्हाट आई वांट टू से टू दैट दिस इज द फर्स्ट मूवी फर्स्ट ऋतिक रोशन मूवी वेयर वी डोंट गेट टू सी हिज फिजिक्स we don't get to see his physique, we don't get to see the good dancing moves, but the only thing that we get to see is the rich, proper acting, and exactly. I think he has done a great job on this. So, with this amazing flavor, main bhul jaunga. Please guys, don't forget to like, share, subscribe to our channel, because it always feels good. So, please kar dena yaar. So, coming back to the film, we did a lot of research, and we came to know this is based on a true fact. Yeah, and I guess you mentioned about Anand Kumar. The story is about Anand Kumar, who is an educationist, and he took it on his own responsibility to coach a number of underprivileged students from the underprivileged society. And what he did was from till 2018, from out of 480 students. That's what the name comes from, right? Super 30. It was a Super 30 program where every year he used 30 people and he coached them in order to prepare them for the IIT Joint Entrance Examination. And by the end of 2018, more than 400 students out of the total lot were selected in IIT Joint Entrance Examination, which is a big feat, I think. देखकर अच्छा भी लग रहा है सुनकर भी अच्छा लग रहा है फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग अ ऑटोबायोग्राफी रिटन अबाउट अ कॉमन मैन एंड हु डिड समथिंग फॉर द कंट्री एंड द फैक्ट दैट दिस एंटायर थिंग इन द ट्रेलर आल्सो यू कैन सी दैट दिस एंटायर थिंग स्पार्कल्ड अ रेवोल्यूशन आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच मेक्स मी वांट टू सी इट मोर आई एम नाउ एक्साइटेड फॉर द मूवी एंड आई वांट टू वॉच इट इनफैक्ट मुझे थोड़ा गूज़बम्स भी आ रहा था आई वॉज फीलिंग I mean, tensed at a moment. In fact, he was telling me that he was so, you know, engrossed into the trailer because I just felt it so connected. We see, I'm not taking names of any organization, but we see these corporate foundations, educational foundations only meant to, you know, prepare the students, but they charge a hefty amount. And maybe a large section of our society, they are not qualified enough or they are not capable enough to go through those courses. And when a man comes out, breaking the system, breaking the old shackles and starting something of his own, trying to do something for the country, taking a talent just from the grassroots and lifting him or her up to the topmost class of society. And in fact, they named few of the big Indian leaders like Indra Nui from PepsiCo, Sundar Pichai, then the CEO of MasterCard. So I guess the story was amazing. I mean, the setup was amazing, and I don't have any words. इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ मतलब I'm totally lost. And बहुत अच्छा ट्रेलर है. And I think it's a family film. And as an Indian, I'm really proud to watch it. Yeah, absolutely. So overall, quite happy with the trailer. Very happy with the trailer. Ritik Roshan को हम लोग देख रहे हैं almost एक साल से ज़्यादा हो गया. I guess last movie was Kabil. Yeah. And that was also another sensational movie. Mohenjo-daro was not that commercially hit, but Kabil, though it was a low budget movie, but again he made a magic. It was a magical script. But anyways, this movie is, I think, is gonna be something. And also shout out to the main title track of the trailer, because I thought that as an unstoppable song was amazing. It was so awesome. So. और इसको ज्यादा खींचेंगे नहीं आई गेस हम लोग बहुत बोल दिए और प्रमोशन भी हो गया मूवी का और प्रमोशन नहीं करते हैं थोड़ा प्रमोशन मेरा चैनल के लिए कर रहे हैं फिर से सब्सक्राइब करना भाई लोग ओके एंड बिफोर गोइंग लाइक माय सिग्नेचर गुड बाय शॉट कीप रॉकिंग